इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने बम म्यूजियम खोल दिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि ये बम म्यूजियम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खोला गया है, जिसमें बारूदी सुरंगों के लिए 51 तरह के बम और सुसाइड जैकेट रखी गई हैं। जो वीडियो सामने आया उसमें तालिबान से जुड़े दो लोग एक सुसाइड जैकेट को हाथ में लिए दिखे और उसकी डिजाइन और काम करने के तरीके पर बातचीत करते सुनाई दिए। वीडियो में दिखा कि उस जैकेट में कीले जड़कर उसे खतरनाक बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस बम म्यूजियम में रिमोट से कंट्रोल होने वाली आत्मघाती जैकेट, बम और कई दूसरे हथियार भी रखे दिखाई दिए। और इधर बंगलुरु से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूटर से एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पर बुरी तरह घसीटा गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शहर की एक सड़क पर स्कूटर के पीछे लटका एक आदमी बुरी तरह घिसटता नजर आया, जबकि आरोपी स्कूटर को रोकने के बजाय उसे तेजी से दौड़ाता रहा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूटर को रोकने के लिए वो आदमी उसके पीछे लटका दिखा, जिसकी वजह से वो काफी दूर तक घिसटता रहा। हालांकि बाद में आरोपी ने स्कूटर सड़क किनारे रोक दिया, जिसके बाद कई लोग वहां पर जमा हो गए। एक आदमी तो स्कूटर चला रहे उस आदमी को बुरी तरह डांटता दिखा, जबकि आरोपी किसी को फोन लगाने की कोशिश करता रहा। इस घटना के बाद पुलिस ने स्कूटर सवार को पकड़ लिया, जबकि दूसरे आदमी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उधर यूके ने ये ऐलान कर दिया कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को अपने घातक अपाचे हेलीकॉप्टर देगा। इन हेलीकॉप्टरों को उड़ता टैंक भी कहा जाता है, जो बहुत जल्द यूक्रेन की वायुसेना का हिस्सा होंगे, क्योंकि यूके के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को तीसरी पीढ़ी के चैलेंजर 2 टैंक की खेप देने के साथ 4 अपाचे हेलीकॉप्टर भी भेजेगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करने के बाद लिया। रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में यूके ने यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और उसे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर देने का ऐलान कर दिया, जो माना जा रहा है कि चैलेंजर 2 टैंकों की खेप के साथ ही यूक्रेन पहुंचेंगे और आने वाले दिनों में रूस की फौज के खिलाफ दम भरते दिखेंगे, क्योंकि अपने मजबूत कॉकपिट और फायरिंग पावर की वजह से ये हेलीकॉप्टर जंग की दिशा बदलने की काबिलियत रखते हैं। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर का तमगा हासिल है। और यूके जो अपाचे हेलीकॉप्टर यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है वो हेलफायर मिसाइल से लैस है। हेलफायर मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में मौजूद किसी भी तरह के टारगेट को सटीक तरीके से नष्ट कर देती है। यही वजह है कि हेलफायर जैसी मिसाइल के साथ ये हेलीकॉप्टर और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अपाचे एक बार में 16 एंटी टैंक हेलफायर मिसाइल फायर कर सकता है और इनमें लगी गन में 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर में लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट भी बहुत खतरनाक हैं, जिस वजह से युद्ध में अपाचे का कोई मुकाबला नहीं। दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर सटीक हमला करने में अपाचे सबसे आगे माना जाता है। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के बाद ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है। बताया गया कि ब्रिटेन के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यूक्रेन को हथियार देने के बाद ब्रिटेन की सेना कमजोर हुई, यानी यूक्रेन की मदद करना ब्रिटेन को ही भारी पड़ सकता है। असल में जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन अलग अलग तरह के आधुनिक हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को भेजता रहा है। खबर है कि इसी कड़ी में ब्रिटेन अब यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक भेजने वाला है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद से यूक्रेन के जवान इस टैंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दावा है कि लगातार टैंकों और दूसरी मदद करने की वजह से ब्रिटेन की सेना खुद कमजोर हो गई है।